ये रासलीला कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कल ही पहुंच गया था रास फेस्टिवल नलबरी में, तो कल तो मेरा वीडियो बनाना नहीं हो सका क्योंकि कल इतना ही भीड़ था कि मोबाइल नहीं निकल पाया मैं, इतना भीड़ में इतना धक्के मुक्के होने के लिए। तो अभी मैं एक नलबरी में ही हूँ। अभी मेरे पीछे मंदिर है, देखिए ये मंदिर है, आपको दिखाने, अंदर गाना बज रहा है, कुछ क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, पता नहीं। तो अभी वहीं पर जा रहा हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना। तो चलिए मैं आपको सीधा दिखाता हूँ रास फेस्टिवल नलबरी का। ये अभी दिन में है, अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, देखिए देखिए मेरे कृष्ण भी है, राधा भी है, ये रास महोत्सव है हमारे असम की। देखिए पूरा भीड़ है देखने के लिए। तो थोड़ा अभी आगे जा रहा हूँ, देखिए आपको भी दिखाता हूँ। लिखा हुआ है बारो फ्लाइट रेकॉर्डर बोली, कॉकपिट वॉइस रेकॉर्डर न हो, और कौन बाकी कबो नहीं, ब्लैक बॉक्स तो ब्लैक न हो नहीं। ये देखिए यहाँ पे पूरा 10 अवतार है भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के 10 अवतार है, देखिए पूरा का पूरा अच्छे से सजाया हुआ है, देख लीजिए। लॉटरी पैसा ना मंदिर पैसा ही ना। यहाँ पर भी है, आपको सिर्फ दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। ये रासलीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण और साथ में गोपी है, देखिए भगवान कृष्ण है और साथ में गोपी है, रासलीला कर रहे हैं। इधर भी है, देखिए ये देखिए चारों तरफ सिर्फ मूर्तियां है जो कि रास के लिए बनाया हुआ है, देखिए। ये देखिए इधर भी है, चारों तरफ है। अभी दिन के वक्त है क्योंकि रात को तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं, मतलब टाइम तो मिलेगा लेकिन रात में इतना भीड़ होगा कि मोबाइल में निकल नहीं पाऊँगा, इसीलिए अभी दिखा रहा हूँ दिन में ही। ये देखिए रास फेस्टिवल, असम के रास फेस्टिवल बहुत ही शानदार है, देख के मज़ा आ रहा है। देखिए अभी इतना भीड़ है कि क्या कहूँ, अगर रात को तो आपको आज मैं रात को दिखाऊंगा कि रात की भीड़ कैसा होता है। ये भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहा है अभी, देखिए। कौन सा असुर है पता नहीं। अमृत मंथन ये देखिए, देव देवता और असुर की। और ये देखिए बहुत ही बड़ा, हमारे असम इसमें खराई कहते हैं, देखिए बहुत ही बड़ा है। ये हम असम इसमें इसे खराई कहते हैं, असम वासी लोग, हमारे सम्मान की चीज़ है ये, इसको बड़े से बना के दिखाया है।
और इधर भगवान गणेश भी है। बहुत ही बड़ा है ये मेला, जो फेस्टिवल है बहुत ही बड़ा है। इधर कपड़े का दुकान है, देखिए अभी कपड़े का दुकान में आ रहा हूँ, देखिए कपड़े का दुकान। ये अचार का दुकान, आपको जैसा अचार चाहिए वैसा ही मिलेगा अचार। ये लेडीज का ही दुकान है लगता है, इधर तो पूरा का पूरा लेडीज ही है, ज्यादातर महिला है। उधर बैग का दुकान है, उधर बच्चों के खेलने के लिए भी है। देखिए देखिए ये मेला जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिधर भी जाओ मेला ही मेला है। दुकान है कुछ है, आगे भी है, कितना लंबा है पता नहीं, बहुत ही बड़ा है। ये रेस्ट्रो है देखिए खाने के लिए, इधर भी इधर नहीं जाऊंगा, वापस घूम के जाता हूँ। जो मेरा बोला पार्टनर है जो मेरे साथ आया था वो कहीं घूम गया है, अभी उसको ढूंढना है पहले, तो उसको पहले ढूंढ लेता हूँ। इधर किताब की दुकान है, देखिए इधर किताब के बुक स्टॉल है सारी सभी के सारी। देखिए इधर भी है, अभी मैं फिर से उधर ही जा रहा हूँ जहाँ पे रास फेस्टिवल का जो है भगवान कृष्ण के लिए भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है, उधर ही जा रहा हूँ अभी। इधर भी है कुछ, देखिए इधर भी है। कुछ ऐसा ही सेमिनार जैसा हो रहा है अभी यहाँ पे, तो नेटफ्लिक्स नहीं तो अभी देख रहा हूँ कहाँ पे आने के बाद यहाँ से निकल और तो वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। देखिए आदमी पूरा देखने के लिए पूरा भीड़ है, अचाकच भीड़ है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे कुछ होने वाला है, शायद कोई आने वाला है, बड़े बड़े लोग जो बाहर से आने वाले थे वो लोग आएंगे शायद, उन्हीं लोगों के लिए शायद ये है।